हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारे चैनल स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूट बताया सर में। तो आज हम राजस्थान में पशु संपदा के बारे में क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सके। तो क्वेश्चन नंबर वन, राजस्थान की पोंगल नस्ल है ए बकरी, बी भेड़, सी गाय, डी ऊँट। तो राजस्थान की जो पोंगल नस्ल है वो भेड़ की है, ऑप्शन बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई, ए 1978, बी 1985, सी 1972, डी 1975। तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास स्थापना है जो 1975 में की गई थी, इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन नहीं है, ए थारपार, बी कांकरेज, सी चोकला, डी रंध्र। तो इसमें जो थारपार भी है, कांकरेज भी है, थल, लेकिन चोकला है जो भेड़ी नस्ल है, ना कि गाय की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना निम्न हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ। तो बताना, जो बकरी विकास के लिए और चारा उत्पादन परियोजना किस देश की सहायता से चल रही है, ए फ्रांस, बी स्वीडन, सी डेनमार्क, डी स्विट्जरलैंड। तो ये स्विट्जरलैंड की सहायता चल रही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत अनुदान STSC BPL पशुधारकों को मवेशी बीमा प्रीमियम पर प्रदान किया जा रहा है। तो बताना है, जो कितना प्रीमियम दिया जा रहा है STSC और BPL परिवार वालों को पशुपालक में इंश्योरेंस के तौर पर, ए 50%, बी 60%, सी 70%, डी 80%। तो ये 70% दिया जा रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुगणना 2012 के अनुसार भारत के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है, ए 11.27%, बी 15.27%, सी 10.27%, डी 20.27%। तो 11.27% है, ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान में एक भेड़ की प्रजाति नहीं है, ए मगरा, बी पोंगल, सी मारवाड़ी, डी मालवी। तो भेड़ी नस्ल नहीं है जो मालवी नहीं है, बाकी मगरा, पोंगल, मारवाड़ी है, मालवी गाय की नस्ल है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनाड़ी और नाली की नस्लें हैं भेड़ की, बकरी की, गोवंश की, ऊँट की। तो सोनाड़ी और नाली नस्ल है जो भेड़ी नस्ल है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, मार्च 2019 में प्रथम राज्य स्तरीय गोरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, अलवर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। तो गोरक्षा सम्मेलन आयोजित जयपुर में आयोजित हुआ था, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018-19 के राजस्थान के बजट में की गई घोषणा के अनुसार ऊँटने के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट स्थापित किया जाएगा, बताना कहाँ पर किया जाएगा मिनी प्लांट, ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी बाड़मेर। तो जयपुर में किया जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना की जाने की घोषणा है, ए गाय, बी ऊँट, बी भेड़, सी ऊँट, डी बकरी। तो ऊँट के ऊँटनी का दूध के लिए मिनी प्लांट खोलने की है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला है, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, कोटा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो बाड़मेर है वो अग्रणी है, फर्स्ट स्थान पर है। नेक्स्ट, विश्व में ऊन उत्पादन भारत के लिए सातवां स्थान जिसकी सर्वाधिक पूर्ति किस राज्य से होती है, जम्मू कश्मीर, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, जो राजस्थान है उससे होती है पूरी आपूर्ति। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार का मत्स्य फार्म सागरोद स्थित है, टोंक में, कोटा में, बांसवाड़ा में, अलवर में। तो सागरोद है कहाँ पर, इसलिए बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सागरोद है, जो अलवर में स्थित है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है पीली क्रांति से, नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है दिल्ली, अभिकनगर, जयपुर, जोधपुर। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है जो अभिकनगर में स्थित है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु संख्या है, ए गोवंश की, बी भैंस की, सी भेड़ों की,
डी बकरियों की, तो इसमें बकरियों की सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन डी राइट है, बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है 2012 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊँट से संबंधित है, पूंगल, बर्बरी, गुर्राह, मेवाती, तो इसमें मेवाती है जो संबंधित है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो यह 2012 में शुरू की गई थी, ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 19 पशु गणना किस वर्ष की गई, ए 2010, 2011, 2012, 2013, तो 19 पशु गणना है 2012 में की गई थी, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देशों में स्थान है, प्रथम, क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो इसमें द्वितीय स्थान है, फर्स्ट यूपी का है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई, ए 26 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2013, 15 अगस्त 2012, 28 सितंबर 2012, तो ये 15 अगस्त 2012 को शुरू की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है गाय भैंस को लिए, वैवाहिक रस्म के लिए, कृषि उपकरण के लिए, सिंचाई उपकरण के लिए, तो बाकड़ी भैंस गाय और भैंस के लिए यूज लिया जाता है, ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है, मालवी, थारपार, मेवाती, कांकरेज, तो बाड़मेर है जो थारपार के लिए है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा में, मेड़ता सिटी में, पुष्कर में, परवसर में, तो ये परवसर नागौर में आयोजित होता है, ऑप्शन डी राइट है। तो आज के लिए इतना ही, यदि आपको हमारी सीरीज पसंद, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन और क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।